हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ पर फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत एक नया लेक्चर लेकर के आए हैं जिसका नाम है लेक्चर 7। और इस लेक्चर 7 में हम लोग आज साइकॉन के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, जनन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है साइकॉन के अंदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अच्छे से समझिएगा। तो हेडिंग डाल दीजिए रिप्रोडक्शन ऑफ साइकॉन में जनन की क्रियाविधि किस तरीके से हो रही है उसको समझना है। तो लिखें, साइकॉन अन्य स्पॉन्जेस की तरह अदर स्पॉन्जेस के सिमिलर एसेक्सुअल व सेक्सुअल मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन को करता है। तो जो अन्य साइकॉन स्पॉन्जेस हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है बिल्कुल उसी की तरीके से साइकॉन में भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, राइट। से लिखे सामान्यतः नॉर्मली फेवरेबल कंडीशन में साइकॉन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है तथा अनफेवरेबल कंडीशन में यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है। दैट मीन्स यहां पर हम देखेंगे कि जो यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो इसकी फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो उसकी अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, इस बात को याद रखना। तो पहला पॉइंट या पहला टॉपिक हमारा जो यहां पर रहेगा जो हम समझेंगे वो इसका समझेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखें इसमें साइकॉन की ऑल स्पीसीज फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करती है जो मेनली बडिंग मेथड द्वारा कंप्लीट होती है जो मुख्यतः बडिंग मेथड द्वारा कंप्लीट होती है से लिखें इस मेथड में साइकॉन के बॉडी के आधार पर एक माइन्यूट आउटग्रोथ डेवलप होता है जिसे बड कलिका कहते हैं, राइट। अलग से लिखें प्रत्येक बड के ग्रोथ करने पर इस स्ट्रक्चर यानी इस संरचना
इस स्ट्रक्चर के एंटीरियर एंड पर, एंटीरियर एंड पर आस्कुलम पोर, मतलब जो आस्कुलम का छिद्र है या आस्कुलम जो है वो डेवलप हो जाता है, आस्कुलम पोर डेवलप हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तथा यह बर्ड मुख्य बॉडी से, मेन बॉडी से अलग होकर, मेन बॉडी से अलग होकर एक न्यू साइकॉन, एक न्यू साइकॉन के रूप में, एक न्यू साइकॉन के रूप में डेवलप हो जाता है, डेवलप हो जाता है, अथवा अथवा मेन बॉडी का या मेन बॉडी के साथ, अथवा मेन बॉडी के साथ अटैच रहकर, मेन बॉडी के साथ अटैच रहकर साइकॉन की एक न्यू कॉलोनी, या तो ये अलग होकर के एक नए साइकॉन में बन जाएगा, या उसी के साथ में ऐड रहकर के, उसी बॉडी बेस के साथ ऐड होकर के ये साइकॉन की एक नई कॉलोनी का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, अथवा मेन बॉडी के साथ अटैच रहकर यह साइकॉन की एक न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी को डेवलप कर देती है, न्यू कॉलोनी को डेवलप कर देती है। ये तो बात हो गई हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो मेनली किसके द्वारा हो रहा है, बडिंग के द्वारा हो रहा है, इस बात को याद रखना। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो साइकॉन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में समझना है। तो हेडिंग डाल दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकॉन, राइट। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा भाई, लैंगिक जनन की क्रिया किस तरीके से हो रही, तो डेफिनेटली लैंगिक जनन की जो क्रिया होगी वो यहां पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होगी, दैट मींस यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म नहीं होते हैं। तो इसमें लिख लें साइकॉन एक मोनोइसियस स्पॉन्जेस होता है, साइकॉन एक मोनोइसियस स्पॉन्जेस होता है, अतः इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही साइकॉन में, या एक ही साइकॉन की बॉडी में, हम ये कह सकते हैं एक ही साइकॉन में प्रोड्यूस होते हैं, एक ही साइकॉन में प्रोड्यूस होते हैं। नलन से लिखे हैं मैक्सिमम साइकॉन स्पीसीज के, मैक्सिमम साइकॉन स्पीसीज के प्रोटोजीनस होने के कारण इनमें मेल गैमेट के कंपैरिजन में, प्रोटोजिनस क्या होता है, जिसमें मेल गैमेट के कंपैरिजन में फीमेल गैमेट पहले डेवलप हो, राइट, उनको प्रोटोजिनस कहते हैं। तो मेल गैमेट के कंपैरिजन में, मेल गैमेट के कंपैरिजन में फीमेल गैमेट पहले डेवलप होते हैं, फीमेल गैमेट क्या होते हैं बेटा, पहले डेवलप होते हैं। नेलन से लिखें साइकॉन में कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं लेकिन इसकी बॉडी में पाई जाने वाली
लेकिन इसकी बॉडी में पाई जाने वाली मीजेनकाइम लेयर के भीतर, मीजेनकाइम लेयर के भीतर मैंने बताया था जर्म सेल्स, मीजेनकाइम लेयर के भीतर जर्म सेल्स के द्वारा, के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन यानी निर्माण, गैमेट का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यह गैमेट्स स्पर्म, जो कि मेल गैमेट है, स्पर्म क्या है, एक प्रकार का मेल गैमेट है, व एग, स्पर्म व एग ये क्या है, फीमेल गैमेट है, ये क्या है, फीमेल गैमेट है, स्पर्म व एग के रूप में, के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, के रूप में क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस होते हैं। नाइलाइन से लिखे हैं, जर्म सेल में, जर्म सेल में गैमेट का फॉर्मेशन, जर्म सेल में गैमेट का फॉर्मेशन दो डिफरेंट मेथड द्वारा, दो डिफरेंट मेथड द्वारा होता है, जिन्हें, जिन्हें स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस आर प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कराने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, व ऊजेनेसिस, व ऊजेनेसिस दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ एग या ओवा, ठीक है, या ओवम कहते हैं, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस व ऊजेनेसिस कहते हैं। अब बात आती है सर, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कैसा प्रोसेस है, तो हेडिंग डाल दीजिए छोटा सा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें शुक्राणु जनन, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन, इस शुक्राणु का निर्माण किस तरीके से होता है उसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, राइट। तो लिखें इसमें, वह जर्म सेल्स जो स्पर्म के लिए या जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए मेल गैमेट के रूप में, मेल गैमेट के रूप में कार्य करती हैं, कार्य करती हैं, उन्हें, उन्हें स्पर्म मदर सेल्स, उन्हें स्पर्म मदर सेल कहते हैं, स्पर्मेटोसाइट, उन्हें स्पर्म मदर सेल कहते हैं। यह सेल्स, यह सेल्स यूनिसेलुलर, दैट मीन्स एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर व यूनिन्यूक्लिएट्स, एक केंद्रकीय होती हैं, होती हैं, जो डिवाइड होकर, जो डिवाइड होकर स्पर्म का फॉर्मेशन, अब यहां पर जो डिवीजन होगा वो होगा मियोसिस डिवीजन, याद रखना, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, जो डिवाइड होकर किसका फॉर्मेशन कर रही है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। अभी मियोसिस डिवीजन क्या है, तो मैंने डेफिनेटली आपको थर्ड पेपर पहले ही पढ़ा के रखा हुआ है कि यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको दो तरीके से होता है, या तो माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा। तो मियोसिस में गैमेट बनते हैं, तो यहाँ पर जो सेल यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड जो स्पर्म मदर सेल है उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या होता है, स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है गैमेट के रूप में, राइट। चलिए लिखें,
साइकॉन का स्पर्म यूनिसेलुलर एक कोशिकीय कॉमा यूनिन्यूक्लिएटेड एक केंद्रकीय होता है जिसमें एक स्फेरिकल हेड तथा एक लॉन्ग टेल पाई जाती है तथा यह स्पर्म हैप्लॉइड होता है। दैट मीन्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनकी संख्या आधी पाई जाएगी, इस बात को याद रखना। सेकेंड जो हमारा है पोर्शन वो है ऊजिनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने देख लिया कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड है ऊजिनेसिस, अंडजनन, ठीक है। ऊजिनेसिस किस तरीके से हो रहा है, ऊजिनेसिस का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में समझना है। तो लिखें इसमें साइकॉन में एग के फॉर्मेशन में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाली कोशिका को नॉर्मली एग मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एग मदर सेल कहते हैं। यह कोशिका ग्रोथ करके, थोड़ा सा डिफरेंट है लिखें इसमें, यह कोशिका ग्रोथ करके फीमेल गैमेट के रूप में कार्य करती है। दैट मीन्स वर्क करती है, फीमेल गैमेट के रूप में कार्य करती है, जिसे एग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा, एग कहते हैं। यह एग सेल यूनिसेलुलर कॉमा यूनिन्यूक्लिएटेड व हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में होता है या होती है, स्ट्रक्चर के रूप में होती है, याद रखना इसको जो हमेशा दूसरे साइकॉन से प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड होता है। तो याद रखिएगा कि एक ही साइकॉन के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन साइकॉन यहां पर कैसा होता है, प्रोटोजेनस होता है, जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के बाद डेवलप होता है, फीमेल गैमेट पहले डेवलप हो जाती है। अब उसी के पास में कोई दूसरी कॉलोनी पाई जा रही साइकॉन की, राइट, तो आपको तो पता है वहां पर हो सकता है कि उसके अंदर मेल गैमेट डेवलप हो चुके हो, जिसके कारण वो जो स्पर्म्स हैं वो वाटर में जब रिलीज होते हैं तो वाटर में रिलीज होने के बाद वो स्पर्म वाटर करंट के कारण क्या होता है, ऑस्टिया से कहां आ जाएगा, इसके बॉडी के अंदर आ जाएगा, इस वाले साइकॉन के बॉडी के अंदर जहां पर फीमेल गैमेट बन गए हैं, ठीक है, जहां फर्टिलाइजेशन होना प्रारंभ हो सकता है, ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो चुके हैं, एग बन चुका है, तो क्या होगा कि स्पर्म बॉडी के अंदर आकर के इन एग को क्या कर देते हैं, फर्टिलाइज कर देते हैं। तो ये हमेशा किसी दूसरे साइकॉन में डेवलप हुए स्पर्म के द्वारा ही क्या होता है, या उसके अंदर जो हम ये कह सकते हैं कि जब एग डेवलप होगा तो किसी दूसरे स्पर्म के द्वारा ही फ्यूज होगा, इस बात को याद रखना।
अब अगर हम लोग इसके फर्टिलाइजेशन की बात करें, निषेचन की बात करें, तो निषेचन किस तरीके से होता है भाई, उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन निषेचन। तो यहां पर निषेचन कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार का हो रहा है साइकॉन के अंदर, वो समझना है। तो लिख लीजिए, साइकॉन में मुख्यतः इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब बॉडी के अंदर गैमेट मिल रहे हैं, इस बात को याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या हम कह सकते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यहां पर दूसरा स्पर्म या दूसरा साइकॉन का गैमेट आकर के इसको फ्यूज कर रहा है। ए वाले के अंदर जो एग फ्यूज होगा वो बी वाले साइकॉन से स्पर्म के प्रोड्यूस होने के द्वारा होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। लेकिन इस मेथड में एक साइकॉन के स्पर्म वाटर की सहायता से दूसरे साइकॉन में इंटर करते हैं तथा इनमें प्रेजेंट या डेवलप एग के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करते हैं बेटा, कंप्लीट करते हैं। नलन से लिखे, अदर स्पॉन्जेस के सिमिलर, अदर स्पॉन्जेस के सिमिलर साइकॉन में भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया, साइकॉन में भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया या एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, मतलब जटिल प्रकार की होती है, कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है। नलन से लिखें, नॉर्मली यानी सामान्यतः एक साइकॉन के मेल स्पर्म दूसरे साइकॉन के बॉडी में ऑस्टिया के द्वारा इंटर करते हैं जो कि बॉडी के अंदर, ये मैं थोड़ा डिटेल में लिखा रहा हूं, जो कि बॉडी के अंदर कॉलर सेल के पास पहुंचते हैं जहां एग्स अरेंज रहते हैं, मतलब एग यहां पर स्थित रहते हैं, अरेंज रहते हैं कॉलर सेल के पास पहुंचने के बाद यह स्पर्म अपनी टेल को नष्ट कर देता है, दैट मीन्स डीजनरेट कर देता है तथा
हेड स्फेरिकल दैट मीन्स गोलाकार हो जाता है तथा हेड स्फेरिकल हो जाता है जिसके चारों ओर एक कैप्सूल डेवलप हो जाता है अब यहां पर बात आ रही है कि ऐसा क्यों किया इसने। अब भाई आपको पता है कि ये कैसा होता है, प्रोटोगोनस होता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, नेलन से लिखे एक स्पेशल कॉलर सेल अपने कॉलर एंड फ्लैजला को नष्ट करके दो स्पेशल टाइप की सेल्स में कोशिकाओं में चेंज हो जाती है। जो कॉलर सेल है वो अपने फ्लैजला को और कॉलर को नष्ट करके दो स्पेशल टाइप की सेल्स में चेंज हो जाती है जिन्हें नर्स सेल्स। अब इनका काम क्या होगा, हाँ भाई समझ रहे हो ना, इनका काम होता है देखरेख करना, जिन्हें नर्स सेल्स एंड कैरियर सेल कहते हैं, राइट जिन्हें नर्स सेल एंड कैरियर सेल कहते हैं, जहां स्पर्म कैरियर सेल के अंदर इंटर कर जाता है। नलन से लिखें नर्स सेल्स किसी एग के कांटेक्ट में आने पर इसके भीतर इंटर कर जाती है। जो नर्स सेल है वो किसी एग के कांटेक्ट में आने पर उसके भीतर क्या होती है, इंटर कर जाती है तथा इसमें प्रेजेंट यानी उपस्थित स्पर्म न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस तथा इनमें उपस्थित स्पर्म न्यूक्लियस व एग न्यूक्लियस एक सेकंड यहां पर मैंने बताया कैरियर सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं ना। अब ये कैरियर सेल्स है इसकी बात हो रही है, तो यहां पर नर्स सेल नहीं कैरियर सेल लिखिएगा, कैरियर सेल्स किसी एग के कॉन्टेक्ट में आने पर इसके भीतर इंटर कर जाती है तथा इसमें प्रेजेंट स्पर्म न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है। जाइगोट का क्या कर देती है बेटा, फॉर्मेशन कर देती है। आगे लिखें जाइगोट के लगातार डिवीजन द्वारा एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात आ रही सर जो यहां पर एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इस एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसके एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम लोग एम्ब्रियोजेनी कहते हैं।
तो एम्ब्रियोजेनी किस तरीके से होगा साइकॉन के अंदर, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आता है अलग से लिखने के लिए। और एम्ब्रियो जो है वो एक लार्वा को प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। तो यहाँ पर साइकॉन में एक लार्वा डेवलप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहते हैं। और ये लार्वा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के उपरांत बनता है, राइट। तो ये जो इसका एम्ब्रियोजेनी है या एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन साइकॉन है या एम्फीब्लास्टुला लार्वा है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों।